नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उमरिया जिले में किसान खेती छोड़कर आजीविका चलाने को मजबूर। सजगता से बाघ दर्शन के लिए दुनिया भर में मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एवं बफर में आबाद 106 गांवों में किसान के परंपरागत खेती से नाता तोड़ लिया है। किसान अब गांव से शहर मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन खेती छोड़ने की वजह भयावह हो तो साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के किसानों के हित में किए जा रहे दावों की पोल खोल रहे हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के हजारों किसान बाघ सहित अन्य हिंसक जीवों के आतंक से खेती नहीं कर पा रहे। किसानों की माने तो खेती खड़ी फसल जंगली जानवर चट कर जाते हैं, जिससे लागत निकालना तो दूर, साल भर में भूखे मरने की नौबत खड़ी हो जाती है। किसानों का आरोप है कि उनकी समस्याओं की कोई सुध नहीं ले रहा, लिहाजा वे खेती छोड़कर आजीविका चलाने के लिए मजबूर है। खेती किसानी का है, सब जानवर खाई लिया था, ये सब कमाप जबाना था, यार हर केर खर्रा केर तवन भर नहीं कुछ नहीं बने न, ये सुमरा खात है। क्या होता है कि हम लोग खेती करते हैं तो जंगली जानवर छोटा जैसे गेहूं पर आया या कि कुछ भी बोते हैं तभी से नुकसान करना शुरू कर देते हैं, और उसका मुआवजा तो हमें आज तक मिला नहीं। उसके बारे में कोई जंगल वाले ना कोई विभाग वाले बोले नहीं कि इसका मुआवजा उचित चाहिए, क्या चाहिए, इसके बारे में कोई बताया नहीं आज तक। और इसके चलते हम लोग खेती भी कम करने लग गए, थोड़ा बहुत करते हैं इसलिए उजार हो जाता है, उससे हमें सही नहीं मिल पाता उपज। यहाँ ना दादू भुट्टा पक्षा का लड़का वैसे बागा थे चावत रहे हैं तो ना कुछ खेती बारी ना गेहूं कुछ नहीं पका, धान बो थे वो का खा जाते है, अब क्या करी, सुमरा खा जाते, चितरा खा जाते, अब कौन खाई, अब करा थे चुटू बहुत तब बचा था, मेहर गया लड़का लाइके वही डेरा धर लाइन तब बची। सीमावर्ती गाँव है उनको विकास निधि से 30% की राशि उनको इको विकास समितियों को दी जाती है, जिससे वो अपने स्वेच्छा से अपना कार्यों का अनुमोदन करके काम करा सकते हैं। और इसके अलावा भी हम लोगों की तरफ से समय समय पे उनको कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी दी जाती है, जानवरों को बकाने के कैसा करना है, अगर फसल नुकसान हो रहा है तो कई बार बाघ को घेर लेते हैं और तेंदुओं को घेर लेते हैं, तो उसके फिर रेस्क्यू के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है। तो ग्राम वालों को पूरी समझाइश दी जाती है कि उनको कैसे हैंडल करना है, जंगली जानवरों को खुद नहीं आगे आना है, हम लोगों को खबर करना है, और हम लोग वहाँ जाके फिर अपने स्तर के प्रयासों से कभी हाथियों को भी ले जाना पड़ता है, उनको गाँव को से बाहर जानवरों को किया जाता है और उनको जागरूकता दी जाती है, और उनके ग्रामों में भी उनको बच्चों को उनके युवाओं को इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। और पूरा रोजगार तो हमारे आसपास के गांव के लोगों से ही, जो भी हमारे यहाँ काम होते हैं उन्हीं लोगों से कराया जाता है, तो उनका रोजगार सृजन चलता रहता है। अपनी जमीन को और आजीविका को लेके और जानवर हिंसक जानवरों से लेके परेशानी हो रही है, उस संबंध में फॉरेस्ट से हम मिल के बात करके उनका निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से यदि वो स्वामित्व के हैं, उनके भूस्वामी हैं, तो उनको हम बिना उचित मुआवजा दिए जैसा नियमानुसार प्रावधान है उसके बिना हमको नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसे लिए गए हैं तो उन प्रकरणों को भी हम समीक्षा करेंगे। जहां तक है वनाधिकार पट्टों का, सामुदायिक दावों का, तो उसके लिए हम यहां जिले में निराकरण हुए हैं। मैंने एसी ट्राइबल को कहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि उसको नए सिरे से फिर से जांच कर सके, जो लोग पात्र हैं चाहे सामुदायिक हों चाहे व्यक्तिगत पट्टों के लिए हैं उन्हें फिर से हम पट्टा दे सकें, और जो हितग्राही हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें कोशिश करेंगे कि मिल जाए। क्या है, पहले अपन लोग खेती बाड़ी करते थे, अब इस समय जो है खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है क्योंकि जंगली जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा खेती में क्षति पहुंचाते हैं, इसलिए खेती अपन लोग अब करना छोड़ दिए हैं। अब अपना सरल तरीका अपना रहे हैं मजदूरी, कम से कम मजदूरी करते हैं तो पेट भर खाने को मिलता है, और खेती पाती में तो सब जंगली जानवर खा जाते हैं, मुआवजा उवजा हो गया कोई ध्यान ही नहीं देता। लोगों को भी रहना है और जानवरों को भी रहना है, अगर इनके बीच को एग्जिस्टेंस होना है, सह अस्तित्व रहना है, बनाए रखना है, तो दोनों की आजीविका की चिंता सरकार को करनी पड़ेगी।
जंगली जानवरों की का भी पेट भरे, वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें, सुरक्षित रह सकें, और जो आसपास लोग रहते हैं उनके भी आजीविका का संकट ना हो, इसलिए खेती को मुख्य धंधा के बजाय दूसरे आजीविका के विकल्पों की तलाश करनी पड़ेगी और खेती की जो नुकसानी है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी ये है कि आजीविका के वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए, उसके लिए उन्हें संसाधन मुहैया कराए जाएं, मार्केट मुहैया कराया जाए और उनकी निर्भरता जंगल पर से कम की जाए। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।